उसकी गर्जना? ये गर्जना नहीं, उस तेजस्विनी की हुंकारी है। उसने मुझे स्वीकार कर लिया है, वो मुझसे विवाह करने के लिए तत्पर है। शीघ्र ही वो इस राजमहल को सुशोभित करेगी। उसके सम्मान की, उसके सत्कार की, उसके आगमन की तैयारियां करो। महाराज की जय हो। वीर ताम्र लौट आए हैं। सुना तुमने? वीर ताम्र लौट आए हैं और उसे साथ लेके आए हैं। नहीं असुरेश्वर, वो अकेले आए हैं। असुरेश्वर की जय हो। जय तो उसे बोलनी चाहिए थी ताम्र, जिसे तुम लाने के लिए गए थे और खाली हाथ लौट आए। तुम महिषासुर के प्रतिनिधि बनकर गए, उस महिषासुर के जो त्रिलोक विजेता है। तुमने हमारा मान मिट्टी में मिला के रख दिया है। उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि क्या कहा उसने? निर्भीक होकर कहो। कहा कि मैं भैंसे के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। पिताश्री, भ्राताश्री। अच्छा कहा उसने, ऐसे से विवाह नहीं करना चाहती। और क्या कहा उसने? उसने आपको दो में से एक बात चुनने को कहा है। दो में से एक बात चुनने को कहा? कौन सी बात? पहली शरण, दूसरी मरण। शरण या मरण? आप दरबार बुलाएं और राजसभा में इसका निर्णय लें, यही उचित होगा। राजसभा में निर्णय होना चाहिए। बुलाया जाए, फैसला किया जाए। उस स्त्री ने दो बातें कही हैं, मरण या शरण, अर्थात वो महिषासुर को अपनी शरण में रखना चाहती है। राजमहल में आने से पहले ताम्र ने आपको परिस्थितियों से अवगत कर दिया होगा। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वो स्त्री बार बार हमारे लिए युद्ध का आह्वान कर रही है। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं? आप लोगों का जो भी मत होगा वो हमें बता दीजिए,
जो भी हमें हितकारी लगेगा हम वही करेंगे। राजन, ये एक साधारण और अभिमानी स्त्री है, सिर्फ डराने के लिए गर्जना कर रही है। राजन, वो आपको वश में करना चाहती है, आपको अपना बनाना चाहती है। और हाँ, मेरी राय में वो स्त्री देवताओं की रची हुई एक माया है, मोहित करना उसका स्वाभाविक गुण है। मेरे विचार से युद्ध करना ही चाहिए। राजन, स्त्री के हाथों आपका निधन निश्चित है, ये बात देवता भली भांति जानते हैं और उन्होंने ही इसे यहां भेजा है। ये स्त्री आपको मार डालेगी। मैं तो कहूंगा प्रभु, आप इस समय युद्ध ना करें। राजन, ये तो युद्ध में भागने के समान हुआ। महाराज, जब इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं से हम युद्ध करते हुए नहीं भागे तो क्या एक स्त्री के सामने भागेंगे? नहीं नहीं महाराज, कदापि नहीं। क्या इससे हमारी कीर्ति कलंकित नहीं हो जाएगी? राजन, आप चिंता ना करें, मैं अकेले ही उसे यमराज के घर पहुंचा दूंगा। आप आज्ञा दीजिए, हम अपना कार्य पूरा करके ही लौटेंगे। महाराज महिषासुर की जय। महाराज महिषासुर की जय। महाराज महिषासुर की जय। महाराज महिषासुर की जय। विशाल नेत्रों वाली, तुम जैसी सुंदरी की कटाक्ष और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। हे कमल जैसे सुंदर अंगों वाली सुंदरी, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? देवताओं को दुखी करने वाले दुराचारी महिषासुर का वध करने आई हूँ मैं। देवी, तुम हमारे महाराज महिषासुर की महिमा नहीं जानती। जिन महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया, उन्हें तुम अपने पति रूप में स्वीकार कर लो। त्रिलोकी की सारी संपत्ति अपनी इच्छा अनुसार भोगने का सुअवसर प्राप्त करो सुंदरी। धूर्त, मैं उन स्त्रियों में से नहीं हूँ जो सांसारिक सुखों की लालसा रखती हूँ। जाकर कह दो अपने दो सींग वाले पशु का शरीर धारण करने वाले महिषासुर से कि मैंने कहा है। हे महिषासुर, तू कहाँ छिपा बैठा है? सामने आ, मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी। हे दो टांगों वाले जानवर, धरती का ऐसा कोई भी कोना, कोई गुफा, आकाश का ऐसा कोई भी भाग ना होगा जो तुम्हें मुझसे छिपने का स्थान दे सके। जाकर कह देना उसे। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ज्ञात्यै तथैव कृष्णायै सुम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै
चंडी, तुम मेरी बात मान लो और दानेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो। तेरी मृत्यु तो तेरे सामने खड़ी है दुर्मुख। कह रही है कि मेरा विनाश हो चुका है, महिषासुर का विनाश हो चुका है। आप इतने अपने आप में सिमट चुके हैं कि आपको अपने सिवा ना कोई दूसरा दिखाई देता है, ना कुछ दूसरी बात सुनाई देती है। मैंने कहा है, वाशकल और दुर्मुख मारे जा चुके हैं और उनकी सारी सेना का विनाश हो चुका है। केवल एक सैनिक को दुर्गा ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा उसे? क्यों छोड़ दिया उसे? उसे छोड़ा है आप तक आने के लिए, आपको इस सत्य की अवगत कराने के लिए। यदि अब भी आप अपना अहंकार त्याग करके देवी दुर्गा की शरण में जाऊं, दुर्गा की शरण में जाऊं, महिषासुर दुर्गा की शरण में जाए। उस स्त्री ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। असुरेश्वर की जय हो। असुरेश्वर ये सत्य है। उस स्त्री ने अकेले ही पूरी सेना का वध कर दिया। दुर्मुख और वाशकल भी जीवित नहीं रहे। काली कपालिनी दुर्गा।
हे महादेवी, आपको प्रणाम। हे रुद्र स्वरूपनी, आपके रौद्र रूप के दर्शन करके हम सब धन्य हुए। मातेश्वरी, माता जैसे अपने बालक की रक्षा करने के लिए चली आती है, वैसे ही आपने आज महिषासुर के आतंक से रक्षा करने के लिए, देवताओं के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रकट हुई है। महर्षि, महिषासुर की मृत्यु तो निश्चित है। मैं संपूर्ण सृष्टि को महिषासुर के भय से मुक्त कराने के लिए ही प्रकट हुई हूँ। स्त्री की कोख से जन्म लेकर स्त्री को तुच्छ समझने वाले हर किसी को स्त्री शक्ति का परिचय देने के लिए ही मैं अवतरित हुई हूँ। देवताओं, मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसे दूसरों की अपेक्षा और शक्तिशाली बना देती हूँ। मैं ही हिंसक असुरों का वध करने के लिए शिव का धनुष चढ़ाती हूँ। शरणागत जनों की रक्षा के लिए मैं ही शत्रुओं से युद्ध करती हूँ। मैं ही महालक्ष्मी हूँ, मैं ही महासरस्वती हूँ, मैं ही दिन भी हूँ, रात्रि भी हूँ, मैं ही काल रात्रि भी हूँ। इसलिए मैं जन्म भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। Thank you.
तुम्हारी मृत्यु अब अधिक दूर नहीं, शीघ्र ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। भयंकर ध्वनि जो तुमने सुनी थी वही तुम्हारी मृत्यु का संकेत। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महिषासुर, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम अमर नहीं हो, इस संसार में तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी महिषासुर, अवश्य। शरणागत की पीड़ा को हरण करने वाली हे महादेवी, हम पर प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, महिषासुर से संपूर्ण जगत की रक्षा करो। तुम ही तो चराचर जगत की अधेश्वरी हो। इतने संकेत मिलने पर भी क्या महिषासुर माँ के चरणों में शरण लेगा? नारायण नारायण। देवेंद्र, महिषासुर जैसा अनाचारी, अधर्मी, अहंकारी, पापी, दुष्ट, जिसका मरण निश्चित हुआ है, वो शरण में नहीं आएगा, रण करेगा वो। रण? अब रण होगा, अब महिषासुर रण करेगा। ये स्त्री बार बार मुझे चुनौती दे रही है, मेरा अपमान कर रही है, मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि भय महिषासुर का दूसरा नाम है, मृत्यु महिषासुर का दूसरा नाम है। उसने वाशकाल और दुर्मुख का वध क्या कर दिया, वो अपने आप को विजेता समझने लगी है, परंतु वो ये बात नहीं जानती कि मैं त्रिलोकीनाथ हूं, विजेता हूं। मैं महिषासुर। रत्नीज, आज्ञा भ्राताश्री। सेना की तैयारी करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। नहीं,
सेना की कोई आवश्यकता नहीं, सेना नहीं चाहिए मुझे। मैं अकेला उस त्रिभुवन सुंदरी से युद्ध करने जाऊंगा, उसके लिए सेना को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। उस त्रिभुवन सुंदरी का सामना हम अकेले करेंगे, क्योंकि महिषासुर का बल ही उसकी सेना है, महिषासुर की शक्ति ही उसका अस्त्र है, और महिषासुर स्वयं एक शस्त्र है। रुक जाइए। आप ये युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे? पिताजी युद्ध नहीं करेंगे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये तुम कौन सी भाषा बोल रही हो माँ? युद्ध तो वही करते हैं लाजवंती जो शक्तिशाली होते हैं, जो निर्बल होते हैं उनका संहार होता है। तो क्या वाष्कल और दुर्मुख भी निर्बल थे महाराज? जिस सेना के साथ आपने तीनों लोगों पर विजय पाई, क्या वो सेना भी निर्बल थी जिसका दुर्गा ने संहार कर दिया? माताश्री ठीक कह रही हैं पिताश्री, युद्ध करने से तो अच्छा होगा कि हम शांति बनाए रखें। शत्रुजिता, क्या हो गया तुम सभी स्त्रियों को? भयभीत हो रही हैं स्त्रियां हैं ना? दुर्गा भी एक स्त्री है महाराज, जिसने हमारे प्रबल सेनानी और शक्तिशाली सेना का विनाश किया। तो तुम ये समझती हो लाजवंती कि महिषासुर का विनाश हो जाएगा? नहीं लाजवंती, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी उस दुर्गा को बांधकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। बस अभी मुझे युद्ध में जाने दो लाजवंती। नहीं असुरेश्वर, चिक्षुर तुम क्षमा करें महाराज, क्षमा। किंतु यदि सेनापति के होते हुए महाराज स्वयं युद्ध पर चले गए तो यह संपूर्ण विश्व इस सेनापति चिक्षुर के बल और शौर्य पर संदेह करेगा। क्या आपका यह सेनापति बलशाली शौर्यशाली या पराक्रमी नहीं है? नहीं चिक्षुर, ऐसी कोई बात नहीं। तो महाराज क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? चिक्षुर, मुझे तुम्हारे बल पर और तुम्हारे पराक्रम पर विश्वास है। महाराज तो फिर आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने पराक्रम की शपथ लेकर कहता हूं मैं दुर्गा को लेकर आऊंगा। राधाश्री, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी सेनापति चिक्षुर के साथ युद्ध पर जाना चाहूंगा, और मैं भी। चिक्षुर तुम क्षमा करें महाराज, क्षमा। किंतु यदि सेनापति के होते हुए महाराज स्वयं युद्ध पर चले गए तो यह संपूर्ण विश्व इस सेनापति चिक्षुर के बल और शौर्य पर संदेह करेगा। क्या आपका यह सेनापति बलशाली शौर्यशाली या पराक्रमी नहीं है? नहीं चिक्षुर, ऐसी कोई बात नहीं। तो महाराज क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? चिक्षुर, मुझे तुम्हारे बल पर और तुम्हारे पराक्रम पर विश्वास है। महाराज तो फिर आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने पराक्रम की शपथ लेकर कहता हूं मैं दुर्गा को लेकर आऊंगा। राधाश्री, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी सेनापति चिक्षुर के साथ युद्ध पर जाना चाहूंगा, और मैं भी पिताश्री। आज्ञा है पुत्र, आज्ञा है। और महाराज आप उस त्रिभुवन सुंदरी से विवाह की तैयारियां आरंभ कर दें। Ha 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 ha
सेनापति चक्षुर की, सेनापति चक्षुर की, सेनापति चक्षुर की। विजयी भव युवराज शत्रुहंता की, युवराज शत्रुहंता की। असुरेश्वर महिषासुर की, असुरेश्वर महिषासुर की, असुरेश्वर महिषासुर की। महिषासुर की, सुरेश्वर महिषासुर की, सुरेश्वर महिषासुर की। नारायण नारायण। देवेंद्र, महिषासुर जैसा भ्रष्ट बुद्धि भैंसा यह कैसे जान सकता है कि परमेश्वरी को बंदी नहीं बनाया जा सकता? अरे वो तो अमर होने की कल्पना से ही भ्रमित हो चुका है। इसीलिए लाजवंती और पुत्र वधू शत्रुजीता के समझाने पर भी युद्ध से विमुख ना होकर युद्ध के लिए परावृत्त हुआ है। अपने आप को पराक्रमी और बलशाली समझने वाले सेनापतियों, जिस स्त्री को तुम अबला और निर्बल मानते हो, उससे युद्ध के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो? देवी, हम तुम्हें महाराज महिषासुर के भवन में ले जाने के लिए आए हैं। जिस भवन में अन्याय, अहंकार, अविवेक और अधर्म का निवास हो, वो भवन नहीं, वो तो वन है। और यदि वन में ही निवास करना है तो ये वन क्या बुरा है? यूं शब्दों का खेल मत खेलो देवी। पिताश्री के साथ विवाह करो और सुखी रहो देवी, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरा भला क्या है ये तुम ना बताओ, क्योंकि तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारा भला क्या है। हमें तुम पर शस्त्र प्रहार करने के लिए विवश मत करो। लगता है युद्ध करने के लिए उत्सुक हो। आक्रमण! Thank you.
चिक्षुर, तुम्हारी सेना तो नहीं रही, अब तुम स्वयं तय करो तुम क्या चाहते हो, शरण या मरण। रण देवी, रण, केवल और केवल रण। नमो नमः नारायण, नारायण। देवेंद्र, इस रक्त बीज के रक्त की यदि एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरी तो उस एक बूंद से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाए। माया तो रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरने दे रही। आपको अंतिम प्रणाम करने आया हूं भ्राताश्री। अंतिम प्रणाम?
ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ, क्या हुआ सुरेश्वर, क्या हुआ? लाजवंती, मेरा छोटा भाई, मेरी परछाई मुझे छोड़कर चला गया। वो जीवित नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा आपने जेठ जी? आप जैसे त्रिलोकी नाथ के होते हुए आपके छोटे भाई नहीं रहे? आपके अमरत्व के वरदान का असुरों को क्या लाभ हुआ? आप सदैव इसी भ्रम में रहे कि आपने मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, परंतु सत्य तो यह है कि उसी कारण आपके परिवार का हर सदस्य मृत्यु की छाया में पल रहा था। और अब मृत्यु हर किसी को निगल रही है। मेरे पति, आपके छोटे भाई अमर थे ना, उनके रक्त की एक बूंद से सैकड़ों का निर्माण हो जाता था, तो फिर उनका क्या हुआ? वो स्वयं मिट गए। यहां कोई अमर नहीं है जेठ जी, कोई नहीं। आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप भी नहीं। भानुमति, भानुमति होश में आओ, होश में आओ। ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है महाराज, कृपा करके युद्ध रोकिए और शत्रुहंता को वापस बुलाइए। लाजवंती, युद्ध रोकने का अर्थ होता है युद्ध हार जाना और देवताओं का सेवक बन जाना। ना तो महिषासुर आज तक कोई युद्ध हारा है और ना ही उसने किसी के आगे अपना सर झुकाया है। लेकिन शत्रुहंता आप ही का अपना पुत्र है स्वामी। रक्तबीज भी मेरा भाई था। देवर जी का अंत हुआ है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ये युद्ध रोकिए। और ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा लाजवंती, जब तक शत्रुहंता दुर्गा पर विजय पाकर वापस नहीं आ जाता। लाजवंती, तुम बिना कारण भयभीत हो रही हो। मृत्यु से हर कोई भयभीत होता है शत्रुहंता। शत्रुहंता अमर है लाजवंती। यहां कोई अमर नहीं होता, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। शत्रुहंता ने मृत्यु पर विजय पाई है लाजवंती। मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु मृत्यु सब पर विजय प्राप्त करती है। शत्रुहंता को वरदान प्राप्त है लाजवंती। वरदान सृष्टि के कल्याण के लिए दिया जाता है, किंतु जब वरदान का दुरुपयोग होता है तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शत्रुहंता, और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे पिताश्री महिषासुर की। दोनों तरफ से विजय हमारी ही होगी, ऐसा क्यों कहा महिषासुर ने दीदी? और जो उसके पुत्र शत्रुहंता को मारेगा वो स्वयं मर जाएगा, ऐसा कैसे? शत्रुहंता ने बहुत वर्षों तक तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वत्स,
वर मांगो। तो क्या वर मांगा उसने? उसने कहा, हे विधाता, जो भी मेरे सर को काटकर धरती पर गिराए, उसी समय उसके अपने सर के हजारों टुकड़े हो जाएं। हजार टुकड़े? हाँ, इसीलिए कोई भी शत्रुहंता को मारने से डरता था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने उसका सर काटकर धरती पर गिरा दिया, तो उनके सर के हजार टुकड़े हो जाएंगे, है ना? हाँ। तो क्या शत्रुहंता अभी तक जीवित है? ये वर पाकर उसे बहुत अहंकार हुआ और अहंकार में वो माँ दुर्गा से युद्ध करने चल पड़ा। शत्रुहंता जब भी पुकारेगा वो यही कहेगा, मैं विजय प्राप्त करके लौटा। महाराज, राजकुमार विश्वजीत शस्त्र लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं गए हैं।
अवश्य ही दुर्गा से युद्ध करने गए होंगे। मुझे बहुत भय लग रहा है माँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ साथ हर असुर विनाश के द्वार पर खड़ा है। प्राणनाथ, आप देख रहे हैं? नारायण नारायण। देवेंद्र, माँ दुर्गा द्वारा किया गया विनाश देखकर भी विश्वजीत दिए की लौ की ओर लपक कर आने वाले पतंगे की भांति दौड़ा चला आ रहा है। महिषासुर हमारी शरण में आना चाहता है क्या? यही संदेशा लेकर आए हो तुम? यदि दूत बनकर आए हो तो दूत के हाथों में ये शस्त्र शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें बंदी बनाकर असुरेश्वर के पास ले जाने आया हूँ मायाविनी। चिक्षुर, रक्त बीज, शत्रुहंता, ऐसे परमवीरों का विनाश देखकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? यदि सामर्थ्य है तो मुझे बंदी बनाओ। देख क्या रहे हो तुम? माँ दुर्गा को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं उनकी दशा बहुत भयंकर होती है। श्वेत केतु, तुम्हारे भैया महिषासुर की तरह महाबलशाली तो नहीं है और ना ही उन्हें केवल स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है। फिर भी वो अहंकार में आकर माँ दुर्गा का अपमान करते रहते हैं। यदि उन्होंने अधर्म और अहंकार का साथ नहीं छोड़ा तो उनका विनाश सुनिश्चित है। सैनिको, सैनिको! श्वेत केतु सुमुखी से दुर्गा की कहानी सुन रहा है कारागृह में। तत्काल जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। जाओ। माँ दुर्गा बहुत दयालु है श्वेत केतु। यदि वो अभी भी उनकी शरण में जाएंगे तो माँ दुर्गा उनका उद्धार अवश्य करेगी। सर, श्वेत केतु, दीदी मैं श्वेत केतु, सैनिको, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, भैया, श्वेत केतु, श्वेत केतु, मैंने तुझे कहा था ना कि तू सुमुखी से नहीं मिलेगा, उसकी कहानी नहीं सुनेगा, कहा था? श्वेत केतु, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? हाँ भैया। तो यदि कोई मुझे कष्ट पहुंचाना चाहे या मुझे हानि पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
नहीं भैया, नहीं। मेरे बेटे, तो सुनो, ये जो दुर्गा है ना, ये एक जादूगरनी है। ये सब पे जादू चलाती है। इसने सुमुखी पर भी जादू चलाया और अब उसने सुमुखी को अपने साथ मिलाकर मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा है। शिनकेतु, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाभी जीवित ना रहे? नहीं भैया। तो बंद करो, ये बंद करो इसकी कहानियां सुनना। पर भैया, माँ दुर्गा की कहानी सुनकर तो देखिए, अच्छी कहानी है। कैसे वो अत्याचारियों का और दुराचारियों का सर्वनाश करती हैं, और जो कोई उनकी शरण में जाता है वो कैसे उनका उद्धार करती है। भैया, आप भी माँ दुर्गा की शरण में जाइए ना। तो सुमुखी की बातें सुनकर अपनी धार्मिक प्रकृति भूल रहा है, तो भूल रहा है कि तेरा ये भाई काल केतु सर्वशक्तिमान है। ये किसी के सामने नहीं झुकता, सारी दुनिया इसके सामने झुकती है। ये समझाने के लिए तुझे कुछ दिन एकांत में रहना होगा। चलो, 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 चलो। शेरकेतु, अब तुम यहीं रहोगे? ये आप क्या कर रहे हैं? उसे बाहर निकालिए, वो अकेला अंदर यहाँ कैसे रह सकता है? महारानी कालिंदी, महाराज कालकेतु के कार्य में विघ्न डालना दंडनीय अपराध है। श्वेतकेतु, ये अब यहीं रहेगा। परंतु आप अपने ही रक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रक्त जब अपना ही रक्त रंग बदलने लगे तो उसे झटकने की आवश्यकता होती है। ये छोटा सा दंड मैंने इसलिए इसको दिया है कि ये अपनी भूल सुधार सके। यदि ये समझा नहीं तो इसे अगली बार कठोर दंड दिया जाएगा। परंतु इसका खान पान, उसकी चिंता आप कर सकती हैं, परंतु किसी भी हाल में ये इस कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। भैया, चलो कालिंदी। भाभी, भूख लगी है, क्या करूं मैं?